मैं हूं नसीत अगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। आज किन्नौर की अदालत में प्रमोद उर्फ अजय थोरात को एलसीबी की टीम ने लाया था। किन्नौर गोकुंडा चर्चित शांति निकेतन इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल सुरेखा राठौर की हत्या हुई थी। इस हत्या में कुल चार लोगों पर केस एफआईआर दर्ज हुआ था। पहला आरोपी विजय राठौर मैयत सुरेखा राठौर के पति, उनको पकड़कर किन्नौर अदालत के सामने पेश करने पर किन्नौर अदालत ने विजय राठौर को पीसीआर दिया था। उसके बाद पीसीआर खत्म होने के बाद विजय राठौर को किन्नौर अदालत ने एमसीआर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरा आरोपी वैशाली माने, जो विजय राठौर के साथ अनैतिक संबंध थे, ऐसी चर्चा का विषय बना था और सब लोगों की मांग थी कि वैशाली माने को जल्द से जल्द पकड़े। एलसीबी टीम ने वैशाली माने को भी पकड़कर किन्नौर अदालत के सामने पेश किया था। अब वो वैशाली माने को 27 तारीख तक पुलिस रिमांड पीसीआर में है। 27 सितंबर को सब गाँव वालों की नजरें लगी है कि इस हत्या का सुराग मिलता है या नहीं मिलता। तीसरा आरोपी प्रमोद उर्फ अजय थोरात, जिसको एलसीबी की टीम ने नांदेड़ से पकड़कर किन्नौर अदालत के सामने दो बार पीसीआर देने के बाद आज आरोपी प्रमोद उर्फ अजय थोरात को 24 सितंबर को किन्नौर अदालत में हाजिर करने पर अदालत के जज साहब ने अजय थोरात को न्यायिक हिरासत एमसीआर में भेज दिया गया। वैशाली माने के पति शशिराव माने को भी एलसीबी की टीम ने वैशाली माने को फरार करने के आरोप लगाए थे। किन्नौर अदालत ने दो दिन का पीसीआर देने के बाद शशिराव माने को भी न्यायिक हिरासत में एमसीआर में भेज दिया गया। इस पूरी घटना के देखते हुए सबकी नजरें अब वैशाली माने पर टिकी है। चौथा आरोपी अशोक टोपा राठौड़ अभी फरार है। इसको पकड़ने के बाद ही एलसीबी टीम को बहुत से पुरावे सबूत हाथ लगने की आशंका दिखाई दे रही है। सुरेखा राठौर की हत्या की सुपारी दी गई, ऐसी चर्चा का विषय बना है। लेकिन एलसीबी की टीम ने हर तरफ अपना जाल बिछाया है। एसपी संजय जादव के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक सुनील निकारजे सर की टीम के पुलिस उप निरीक्षक कल्याण नेहरकर सर के साथ पूरे पुलिस कर्मचारी इस हत्या के राज को सबके सामने लाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आगे वैशाली माने को 27 सितंबर को किन्नौर अदालत के सामने लाने के बाद ही कुछ इस हत्या की कहानी सामने आने की आशंका या उम्मीद दिखाई दे रही है।